हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल क्रैकर जेस एकेडमी में। दोस्तों, मैं सुनील कुमार, आज फिर दोस्तों हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, और वो भी कौन सा टॉपिक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों आज ट्यूसडे है, यानी मंगलवार। मंगलवार को दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं दोस्तों? तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं भारत में, चाहे वो कौन से, चाहे वो प्राचीन भारत का हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत का हो, और चाहे वो आधुनिक भारत में, है ना, यानी एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, किसी भी तीनों हिस्ट्री में किसी में भी अगर युद्ध हुआ है भारत में कोई भी, तो हम उनकी अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। उसकी एक सीरीज चल रही है हमारी, जिसके क्रम में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मेरी जो लास्ट का जो युद्ध था वो हम लोग दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। आज हम लोग दोस्तों पानीपत के सेकेंड युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ जानकारी दे दूं कि दोस्तों हमारी एक इंडियन ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है। सीरीज में दोस्तों इस समय मैंने जो कल टॉपिक पढ़ाया है वो दोस्तों मैंने पढ़ाया है इंडियन क्लाइमेट। दोस्तों इंडियन क्लाइमेट यानी भारत का मानसून दोस्तों, ये वो मैंने टॉपिक कल वहाँ पर पहली क्लास मैंने कराई है। तो दोस्तों आप लोगों को ज्योग्राफी में दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत आ रही है अगर पढ़ने में, समझने में, तो आप दोस्तों मेरी क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों आपको देखना ही चाहिए, मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों उससे मेरा कुछ बेनिफिट है, दोस्तों आपके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप मेरे साथ एक बार वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद आप रियलाइज़ करिएगा किस तरीके की वीडियो, पूरी देखिएगा। कल जैसे मैंने आपको इंडियन क्लाइमेट पढ़ाया है, तो मैंने इंडियन क्लाइमेट में दोस्तों आपको बहुत बेसिक बताया, जैसे कि क्लाइमेट और मानसून, मौसम और क्लाइमेट, है ना, यानी जलवायु और मौसम में क्या फ़र्क होता है ना, मानसून और जलवायु में क्या फ़र्क होता है, किसको जलवायु कहते हैं। दोस्तों बहुत से लोग क्या होते हैं क्लाइमेट क्लाइमेट बोलते रहते, बट क्लाइमेट की अगर एग्जैक्ट किसी से अगर हम पूछ लें कि क्या डिफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती, कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे, कैसे उसको परिभाषित करेंगे, तो बहुत से लोग क्या हो सोचने लगते हैं, उनके उन्हें पता होता है बट उन्हें बता नहीं पाते। तो कल मैंने दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों में बताया, फिर मैंने बताया कि भारत के क्लाइमेट को दोस्तों मैंने बांट के पढ़ाया आप लोगों को, डिवीज़न करके पढ़ाया, जैसा कि मेरी स्ट्रेटजी रहती है, मैं हर चीज़ को आपको बांट के पढ़ाता हूँ। चाहे इंडियन ज्योग्राफी में कोई भी पार्ट आपने पढ़ा होगा मुझसे अगर, तो मैंने हर चीज़ को आपको बांट के पढ़ाया, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको सुविधा रहे, आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सकें। तो इसीलिए दोस्तों कल मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट का टॉपिक पढ़ाया। और दोस्तों उससे पहले इंडियन ज्योग्राफी की जितनी भी क्लासेस होती हैं, मतलब जितना भी कुछ होता है, वो सब चीज़ें मैंने कल उससे पहले करा चुकी। इंडियन ज्योग्राफी का मात्र ये लास्ट टॉपिक है, ये इंडियन क्लाइमेट खत्म होने के बाद पूरा मैंने इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर दिया। इंडियन ज्योग्राफी तो छोड़िए दोस्तों, मैंने इंडियन ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक करा दिए, जैसे भारत की जनजाति, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है, जैसे मिनरल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जैसे बंदरगाह, पोर्ट्स, ये सारी दोस्तों क्या होते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। बट मैंने यहीं पे ही सब लिंक करके आपको पढ़ा दिया। तो दोस्तों जो भी नए हैं अगर उनको नहीं पता है, तो मेरी इसी चैनल पर दोस्तों क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी की भी मेरी सीरीज चल रही, 3 दिन हम लोग उसको करते हैं। 3 दिन की अगर हम बात करें, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे, यानी सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को हम लोग ज्योग्राफी करते हैं, और TTS दोस्तों, TTS मैं यानी ट्यूसडे, थर्सडे एवं सैटरडे, यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार, इन 3 दिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनको हम लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह है। और दोस्तों संडे का मैं अगर बता दूं, तो संडे में दोस्तों हम लोग करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई एक टॉपिक लेते हैं और ट्रिक के साथ करते हैं। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने बताया कि ब्लैक सी से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, तो ऐसे ही अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, मैं शायद सोच रहा हूँ आप लोग ही बता दीजिएगा कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में ट्रिक के साथ बताया जाए, तो मैं आपको वो करा दूंगा। और अगर चीज़ें ठीक है, और अगर नहीं बताएंगे तो मैं कुछ सोचा हूँ वही मैं बता दूंगा। हालांकि अगर आप लोग करिएगा मैसेज दोस्तों, बताइएगा कि मुझे क्या चाहिए संडे को वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि दोस्तों आप लोग कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहेंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूँ इंडियन क्लाइमेट दोस्तों जो ज्योग्राफी का सबसे टफेस्ट टॉपिक होता है दोस्तों, उसको मैं आपको ऐसे हंसते खेलते और से एग्जांपल दे दे के समझा दूंगा, आपको बहुत आसान से हर चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसको समझने में, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। चाहे इंडियन हिस्ट्री की क्लास हो, चाहे ज्योग्राफी क्लास, जो भी मैं लेकर आता हूँ दोस्तों, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो पूरा 100% देता हूँ, उसके लिए आपको कहीं से कोई कुछ पढ़ने की या कुछ चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं इतना आपको उतना करा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप किसी भी पेपर को देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो
चलिए हम दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक दोस्तों हमारा आज का जो है, दूसरा जो युद्ध है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध है ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है दोस्तों, ये आज हमको करना है। दोस्तों लास्ट में जब हम लोग ने ये टॉपिक, जब इस हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हम लोग दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। हमने बहुत विस्तार से उसमें चर्चा की है, अकबर के बारे में, सॉरी दोस्तों बाबर के बारे में मैंने बताया पूरा, इब्राहिम लोदी के बारे में फिर मैंने आपको बताया, फिर और उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं और चीज़ें जो मैंने वहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और मैंने पानीपत के प्रथम युद्ध के रीज़न तक मैंने बता दिया था कि रीज़न क्या था, इसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा था, ये सारी चीज़ें मैं हम लोग लास्ट क्लास में कर लेते हैं, बट आज हम प्रभाव फिर से आपको एक बार बता देंगे, दोबारा रिवाइज करा देंगे, और देन इसके बाद हम लोग पानीपत फर्स्ट से लेकर और पानीपत सेकंड तक के बीच का जो घटनाक्रम होता है, देखो क्या होता है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और जो सेकंड युद्ध होता है वो 1556 में होता है दोस्तों, ठीक है। इस बीच में 30 साल का गैप होता है दोस्तों, 30 ईयर्स का गैप होता है। इन्हीं 30 ईयर के गैप की जो बीच की जो घटनाक्रम होती है वही दोस्तों क्या करती है, पानीपत के द्वितीय युद्ध को जन्म देती है। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों हमको पानीपत के प्रथम युद्ध से लेकर पानीपत के द्वितीय युद्ध के बीच के अगर घटनाक्रम को हम अच्छे से समझ लेते हैं, चीज़ों को जान जाते हैं, तो हमको पानीपत का द्वितीय युद्ध समझ में आ जाएगा, उसका रीज़न क्या था, क्यों युद्ध हुआ, क्या ऐसा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों हम लोग यही चीज़ें, यानी 1556 का जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठभूमि देखेंगे कि क्या कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम लोग लास्ट में 1526 के प्रथम युद्ध का, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है, उसका क्या था, प्रभाव क्या पड़ा था, हम लोग दोस्तों इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो दोस्तों क्या हुआ था, जब पानीपत का प्रथम युद्ध में क्या हुआ, बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी हारे। दोस्तों जो भी नए हैं, जो आज मेरी पहली क्लास अगर देख रहा हो या रिकॉर्डिंग में देखेगा, तो दोस्तों को करना क्या है दोस्तों, कि आप सिर्फ क्या करेंगे कि मेरी पिछली क्लास जो है, पहली जितनी भी मैंने कराई आप देख लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। पेपर जो भी आ रहा हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की और भी वैकेंसी चल रही हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस का पेपर भी आ रहा है दोस्तों, आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये पेपर, ये जो टॉपिक्स हैं मैं जो करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, जब पानीपत का प्रथम युद्ध में जब इब्राहिम जब जीत गए, सॉरी दोस्तों बाबर की जब विजय हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई। मुगल सत्ता दोस्तों भारत में स्थापित तो हो गई, बट ये स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो पाई, ये दीर्घकालिक रूप से या चिरंजीवी रूप से स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ, 1526 में इब्राहिम की सत्ता स्थापित हुई, सॉरी दोस्तों मैं बार बार इब्राहिम बोल दे रहा हूँ उसके, सॉरी दोस्तों बाबर की, दोस्तों है ना, बाबर की जब मुगल सत्ता स्थापित हुई तो क्या हुआ, इसके जस्ट क्या हुआ, 4 साल बाद क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, हुमायूं शासक बनता है, और हुमायूं को दोस्तों 1540 में क्या होता है, शेर शाह सूरी, जो अफगान ही होता है दोस्तों, शेर शाह सूरी क्या करता है, उसको हरा देता है, और उसको हरा के दोस्तों क्या करता है, सूर वंश की स्थापना करता है दिल्ली में। तो क्या हुआ दोस्तों, सूर वंश की स्थापना, यानी इससे क्या हुआ, जो मुगल सत्ता जो स्थापित हुई थी उसकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो गई, मतलब कि ये जो इस बाबर ने जो सत्ता स्थापित की थी वो स्थायी नहीं थी, वो चिरंजीवी नहीं थी, उसमें बीच में बहुत सारे व्यवधान आए। तो क्या हुआ, ये तो हुआ कि लोदी यानी अफगानों की सत्ता या लोदी समाप्त हो गए, बट अफगान अभी बाकी थे भारत में, लोदी वंश अफगान थे हम लोग जानते हैं, तो अफगान थे, अफगानों की सत्ता खत्म हुई, यानी लोदी वंश तो समाप्त हो गया बट अफगान अभी भारत में थे, और फिर से दोस्तों क्या हुआ, शेर शाह सूरी जो अफगान था फिर से दिल्ली पर अफगान का ही शासन हो गया। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या है, कि बाबर की जो सत्ता जो भारत में स्थापना उसने की मुगल वंश की, वो स्थायी रूप से नहीं थी, वो चिरंजीवी नहीं थी, वो अस्थायी तौर पे स्थापित हो पाई थी, उस समय तक बनी रही। इसके बाद क्या हुआ, बीच में पूरे 15 वर्ष का गैप है दोस्तों, 1540 में क्या हुआ, शेर शाह सूरी ने जब सत्ता स्थापित की, और 1555 तक दोस्तों मच्छीवाड़ा के युद्ध के तक दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे सूर वंश स्थापित रहा, कौन दोस्तों, सूर वंश। तो दोस्तों क्या हुआ, बीच में कंटिन्यूटी टूटी ना इनकी मुगल सत्ता की, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाबर जो थे, जो जिन्होंने मुगल सत्ता की स्थापना की थी, वो जो वंश जो स्थापक जो उन्होंने स्थापना की थी वो चिरंजीवी और स्थायी तौर पर नहीं हो पाई थी। उसके बाद भी दोस्तों इन्होंने क्या हुआ, इनका क्या हुआ, शासक का काफ़ी कुछ
मतलब इनको बीच में बहुत सारे व्यवधान उठाने पड़े, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में, ये प्रभाव तो ये था कि लोधी वंश समाप्त हो गया और मुगल सत्ता स्थापित हो गई बट परमानेंट नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो पानीपत का युद्ध इन्होंने जब जीता फर्स्ट वाला बाबर ने, तो इनको निर्विवाद रूप से दिल्ली पे शासन करने का और क्या कहते हैं भारत पे शासन करने का अधिकार मिल गया। इसके बाद दोस्तों इनको बहुत सारे युद्ध करने पड़े, जैसे कि बाबर को खानवा का युद्ध करना पड़ा महाराणा सांगा से, महाराणा सांगा से, या जिनको है ना महासंग्राम भी बोलते हैं इनको, ठीक है। महाराणा सांगा से दोस्तों खानवा का युद्ध करना पड़ा, ठीक है। खानवा का युद्ध दोस्तों आपको याद रखना है आपको, ठीक है, कि कब हुआ था और किनके बीच हुआ था, तो ये मैं आपको बता दूं। खानवा का युद्ध दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो 1527 में। अब इसकी ये डेट याद नहीं करनी कि 16 मार्च 1527 में, तो 27 में डेट जरूरत नहीं है, बट आपको ये जरूरत है, ईयर जरूरत होती है। पेपर में आप देखो क्या होता है, जो भी नए स्टूडेंट होते हैं, जो नए लर्नर होते हैं, वो क्या करते हैं, हर युद्ध की डेट भी याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हर युद्ध की डेट याद करने की आपको जरूरत कुछ कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ईयर याद होना चाहिए, है ना। जरूरत नहीं है कि 16 मार्च 1527 में खानवा का प्रथम युद्ध हुआ, इतना जरूरत नहीं है, उतना नहीं पूछते दोस्तों, आपको सिर्फ ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। तो खानवा का युद्ध हुआ किसके बीच में दोस्तों, और मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, इब्राहिम लोदी से ज्यादा बड़ा प्रतिद्वंदी दोस्तों भारत में जो था वो महाराणा संग्राम ही थे, यानी राणा सांगा जी ही थे, ठीक है, जो राजपूताना क्षेत्र में शासन करते थे। सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे इनके बाबर के, इससे बहुत ज्यादा कठिनाइयां इनको पैदा होने वाली थी। तो दोस्तों क्या हुआ, खानवा का युद्ध जब हुआ तो खानवा के युद्ध में ही दोस्तों जो बाबर है उसने धर्म का सहारा लिया और उसने क्या किया दोस्तों, जिहाद का नारा दिया, ठीक है। धर्म का सहारा लिया और जिहाद का नारा दिया दोस्तों, ठीक है। इसी खानवा के युद्ध में किनको महाराणा जानता था कि महाराणा सांगा से हम ऐसे अपनी सेना के बल पर दोस्तों नहीं जीत सकते, तो क्या करना है कि भारत में जितने भी मुस्लिम हैं उनको अपने पक्ष में, उनको धर्म का वास्ता देकर और उनको उनके लिए अपना एक मसीहा बनाकर दोस्तों अगर हम पेश करेंगे तो हमारी युद्ध की ताकत, जो हमारी सैन्य शक्ति, वो बढ़ जाएगी और लोगों का सपोर्ट हमको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों इन्होंने क्या किया, तो इसी वजह से दोस्तों इसने क्या किया, जिहाद का नारा दिया। और दोस्तों क्या हुआ, इसने देखो क्या हुआ कि ये इसने शराब भी बंद करवा दी, शराब जो बंदी थी शराब, ये शराब का बहुत बड़ा शौकीन था, तो इसने प्रण लिया कि मैं आज से शराब भी नहीं पीऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसने कुछ घटनाक्रम की, किनको दोस्तों, महाराणा संग्राम यानी राणा सांगा को हराने के लिए। और क्या हुआ, राणा सांगा भी दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, राणा सांगा इब्राहिम लोदी की हार से इन्होंने कुछ सीखा नहीं। रीजन ये था कि दोस्तों जब इनको हराने, जब इनकी युद्ध, इनको जब इनकी और क्या कहते हैं बाबर की सेना जब आमने सामने आई, महाराणा सांगा और बाबर की सेना जब आमने सामने आई, तो दोस्तों बाबर ने वही जो पद्धति दोस्तों इब्राहिम लोदी के प्रति अपनाई थी, तुलगमा पद्धति, है ना, युद्ध में मैंने बताई थी आपको, क्या किया था कि आगे तोप लगा देते थे, बैलगाड़ी लगा देते थे, फिर तोप लगा देते थे। तो दोस्तों महाराणा सांगा ने ऐसा कुछ उपाय नहीं किया कि दोस्तों अगर ये पद्धति अगर ये अपना रहा है तो हम उस तरीके से अपनी सेना को भी डिजाइन करें कि ये जो पद्धति जो इसने अपना रहा है, क्योंकि दोस्तों एक चीज तो सत्य थी कि महाराणा सांगा की सेना दोस्तों इनसे बड़ी थी भारत में, बट दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी की हार से कुछ सीखे नहीं, और क्या हुआ दोस्तों इसने वही पद्धति सेम अपनाई और महाराणा सांगा को भी वैसे हरा दिया, ठीक है। तो महाराणा सांगा क्या हुए, खानवा के युद्ध में पराजित हुए। इसके बाद क्या हुआ, फिर 1529 में इन्हों बाबर ने दोस्तों घग्गर की लड़ाई की, युद्ध किया 1500 ईस्वी में घग्गर की लड़ाई, इसमें अफगानों को हराया। 1529 में घग्गर की लड़ाई करने के बाद दोस्तों 1530 में क्या हुई, बाबर की मृत्यु हो जाती। तो दोस्तों ये लगभग भारत में 4 साल तक तो शासन करता है, बट दोस्तों ये इसको शासन करने का समय नहीं मिलता, ये युद्ध में ही उलझा रहता है, प्रशासनिक स्थापना नहीं कर पाता है, कोई सांस्कृतिक कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये भारत में शासन सत्ता अपनी स्थापित करने के लिए दोस्तों संघर्ष ही करता रहता है। और 1530 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, हुमायूं क्या होता है, यहाँ राजा बनता है, ठीक है। तो ये बात हो गई 1540 से लेकर दोस्तों 1530 से लेकर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1540 तक तो हुमायूं निर्विवाद रूप से शासक करता रहता है। निर्विवाद मतलब क्या है कि उसके भाइयों के बीच में युद्ध होता है, कई जगह पे कामरान है जैसे, है ना, युद्ध होता रहता है बट उतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 1540 में क्या होता है, एक अफगान सैनिक, है ना, अफगान होता है, वो क्या करता है,
कि हुमायूं को दोस्तों, हुमायूं को पराजित कर देता है, हुमायूं को हरा देता है, और हुमायूं को हराने के बाद दोस्तों क्या करता है, दिल्ली में या भारत में, दिल्ली में दोस्तों क्या करता है, सूर्यवंश की स्थापना करता है। ठीक है, सूर्यवंश की स्थापना करता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, सूर्यवंश की स्थापना करने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये जो हुमायूं दोस्तों यहाँ से भागते हैं ईरान, ईरान में दोस्तों सफाविद होते हैं, इनके मित्र होते हैं, सफाविद वंश का उस समय ईरान में शासन होता है, और ये क्या करते हैं दोस्तों, ईरान में शरण लेते हैं, और लगभग दोस्तों 14-15 वर्ष तक दोस्तों ये ईरान में ही रहते हैं। ठीक है, जब यहाँ से ये भाग रहे होते हैं भारत से हुमायूं, तो दोस्तों ये इनका राजपुताना के अमरकोट में दोस्तों वीरसाल जो थे, वहाँ के अमरकोट के एक शासक थे दोस्तों, वीरसाल जो राजपूत थे, वही दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो और फिर वहाँ से दोस्तों चले जाते हैं ईरान। तो अकबर का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ, अमरकोट में, वीरसाल जो राजपूत थे उनके यहाँ हुआ था। इसीलिए दोस्तों अगर देखेंगे तो अकबर का राजपूतों के प्रति दोस्तों थोड़ा कुछ अलग ही रवैया रहता है, वो उसके प्रति कुछ अलग ही नीति निभाता, उनका कुछ अलग ही लगाव रहता उसके प्रति। ठीक है, अकबर का राजपूताना के प्रति। ठीक, तो क्या होता है फिर, ये 1540 से 1545 तक दोस्तों शेरशाह सूरी शासन करता है दिल्ली पर। उसकी दोस्तों क्या होती है, 1540-45 में दोस्तों एक कालिंजर का युद्ध होता है। उस कालिंजर के युद्ध में क्या होता है, शेरशाह सूरी मर इसलिए जाता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, वो तोप दोस्तों युद्ध के दौरान क्या होता है दोस्तों, उसकी तोप फट जाती है, और तोप फट जाने के कारण वो क्या होता है दोस्तों, झुलस जाता है। तो झुलसने के कारण दोस्तों क्या होता है, वो 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, सिकंदर शाह सूर शासक बनता है। फिर इसके बाद आदिल शाह सूर शासक बनता है, है ना, इनकी जाने की जरूरत नहीं है। 1555 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है, जिस समय आदिल शाह सूर दिल्ली पर शासन कर रहा होता है, तो हुमायूं और आदिल शाह सूर के बीच में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध दोस्तों, ये भी याद रखना है दोस्तों, मैंने 2-3 युद्ध बता दिए बीच में। घघरा का युद्ध दोस्तों 1529 में अफगान और बाबर के बीच हुआ था, घाघरा का युद्ध जिसको बोलते हैं, घग्घर युद्ध भी बोलते हैं, ये कब हुआ दोस्तों, 1529 में, किसके बीच में, तो बाबर और अफगानों के बीच में। ठीक है, बाबर और अफगानों के बीच में। फिर मैंने आपको बताया मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इनका क्रम ही पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, तो ये 1555 में किसके बीच में दोस्तों, तो आदिल शाह सूर के बीच में हुआ था। ये याद रखना दोस्तों, आदिल शाह सूर, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कौन कौन थे, तो आदिल शाह सूर वर्सेस दोस्तों हुमायूं। ठीक है, इन दोनों के बीच मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों क्या हुआ, आदिल शाह सूर पराजित हुआ, और वहां से वो दिल्ली से भागा, और क्या हुआ, हुमायूं की गद्दी की सत्ता स्थापित हो गई। अब इधर बात सबसे बड़ी ये हुई कि आदिल शाह सूर क्या हुआ, दिल्ली से दूर हुआ। ठीक है, दिल्ली से दूर हो गया, और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने क्या किया, दिल्ली में फिर से दोबारा मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, बट यहाँ बात यह हुई कि 1555 एक साल बाद दोस्तों क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर दोस्तों एक लेमन पुल करके दोस्तों एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि किसी भी माँ बाप ने अपने पुत्र का इतना गलत नाम नहीं रखा होगा, क्योंकि दोस्तों हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, और दोस्तों वो लिखता है कि ये जीवन भर लुढ़कता ही रहता है। वो व्यंग्यात्मक रूप से लिखता है कि ये जीवन भर लुढ़कता ही रहता है। लुढ़कने का मतलब दोस्तों क्या है, कि दोस्तों क्या हुआ, जब बाबर जब सब फरगना था, तो फरगना दोस्तों समरकंद में इसका जन्म हुआ, और फिर ये है ना हुमायूं का, और वहाँ से काबुल से भारत, फिर दोस्तों भारत में भी दोस्तों ये 10 साल तक शासन कर पाया 1540 में, फिर इसको किसने दोस्तों, शेरशाह सूरी ने हराया, और शेरशाह सूरी के हराने के बाद फिर ये ईरान भागा, और फिर आया दोस्तों, और आया भी दोस्तों तो फिर 1 साल तक शासन कर पाया, और दोस्तों फिर चला गया। तो वही कहता है दोस्तों, ये लुढ़कते लुढ़कते आया था, और लुढ़कते लुढ़कते संसार से विदा हो गया, वो थोड़ा एक है ना व्यंग्यात्मक रूप से लिखता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जब दोस्तों हुमायूं की मृत्यु होती है, उस समय अकबर जो होता है दोस्तों 13 साल का होता है, मात्र 13 साल का दोस्तों, एक अवयस्क शासक होता है, और बहुत छोटा होता है, 13 साल का होता है, 13 साल की उम्र होता है। और उसी समय दोस्तों क्या होता है, आदिल शाह तो जीवित होते हैं, और आदिल शाह का ही एक सेना नायक, और या कह लो बहुत ही है ना क्या कहते हैं, वफादार सैनिक दोस्तों हेमू, जिसका नाम दोस्तों हेमचंद्र होता है, हेमू के नाम से प्रसिद्ध है, और उसका नाम दोस्तों हेमचंद्र, और वो दोस्तों क्या था, बंगाल में दोस्तों गवर्नर था, बंगाल में उसका दोस्तों, वो कब से, शेरशाह सूरी के समय से ही दोस्तों उसका अफगानों का दोस्तों वफादार बना हुआ था, शेरशाह सूरी के समय से ही दोस्तों वो बंगाल में शासन कर रहा था।
तो जैसे ही उसको दोस्तों ये सूचना मिलती है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है और दिल्ली खाली पड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हो जाने के बाद दोस्तों, और उस समय अकबर कहाँ होते हैं दोस्तों, अकबर होते हैं आगरा में, तो ये क्या करता है दोस्तों, बंगाल से दोस्तों तुरंत दिल्ली के प्रस्थान करता है कौन दोस्तों, हेमचंद। किसके नेतृत्व में दोस्तों, नेतृत्व हेमचंद का ही होता है, बट आदिल शाह उस समय दोस्तों दिल्ली के, क्योंकि ये हारे हुए शासक होते हैं दिल्ली के आदिल शाह, तो उन्हीं के सपोर्ट में चल देता है। हालांकि सारी शक्ति दोस्ती हो जो हेमू के अंदर ही रहती है, तो हेमू क्या करता है दिल्ली में दोस्तों अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, वहाँ पर एक सरवर्दी करके दोस्तों एक मुगल दोस्तों सेनानायक होता है, उसको हरा के दोस्तों क्या करता है दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, कौन सा हेमू, और वहाँ दोस्तों अपने आप को विक्रमादित्य दोस्तों हेमू विक्रमादित्य की उपाधि लेता है, और विक्रमादित्य हेमचंद कहकर अपने आप को शासक घोषित कर लेता है भारत का, ठीक है। ये सब जब सूचना अकबर को मिलती है तो दोस्तों अकबर अपनी जो सेना लेकर दोस्तों पानीपत के मैदान में आ जाते हैं, और यहीं से दोस्तों दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध शुरू हो जाता है ना, मतलब युद्ध थन गया है जैसे कह सकते हैं। और उस समय दोस्तों अकबर बिल्कुल छोटा था, तो दोस्तों अकबर युद्ध में नेतृत्व कर रहा था, शासक था, बट अगर युद्ध का वास्तविक नेतृत्व करता देखा जाए तो वो बैरम खां था, जो उसका संरक्षक था, उसका आतिल था, उसका उस्ताद था, है ना, उस्ताद मतलब उसका गुरु था दोस्तों ये सब दोस्तों, तो बैरम खां उस समय मेन भूमिका निभा रहा था कह सकते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध में, है ना। अरे कुली खान करके भी दोस्तों होता है, वो भी दोस्तों बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या होता है कि हेमचंद दोस्तों, मैं आपको एक चीज हेमचंद के बारे में एक चीज़ बता दूं दोस्तों, हेमचंद एक कुशल सेनानायक, एक बहुत ही अच्छा सेनानायक था, और दूसरी चीज़ है दोस्तों उसको बहुत अनुभव था, कई युद्धों का अनुभव था, वो भारत में कोई भी युद्ध हारा नहीं था, सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों, पहला ही युद्ध दोस्तों था वो पानीपत का जो युद्ध था उसमें दोस्तों वो हार गया था, और जिसमें ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले दोस्तों जितने भी वो युद्ध करता है हेमचंद, वो किसी भी युद्ध में दोस्तों भारत में हारता नहीं, हर जगह उसको विजय प्राप्त होती है, तो इसीलिए दोस्तों वो अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि लेता है जब दिल्ली में शासन स्थापित करता है। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर दोस्तों ये पानीपत के द्वितीय युद्ध में अगर ये जीत जाता तो ये तो शर्त था कि दोस्तों वहाँ पे आदिल शाह वंश का स्थापना नहीं होती, वो हेमू ही वहाँ पर शासक बनता, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों जब इसके अंदर ही इतनी पावर इतनी कैपेसिटी थी तो दोस्तों ये किसी को क्यों शासक बनने देता। और दोस्तों दूसरी चीज़, महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो वो सेनानायक से दोस्तों राजा बनना तो चाहेगा ही, क्योंकि दोस्तों जब उसके पास ही वही सारा एफर्ट कर रहा है तो वो चाहेगा कि हम ही क्यों राजा ना बन जाए, और आदिल शाह उस समय इतने शक्तिशाली रह नहीं गए थे आदिल शाह सूर, तो ये तो ठीक था, बट क्या हुआ यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये भी है, अगर पानीपत के युद्ध में दोस्तों दूसरे युद्ध में अगर आदिल शाह या सॉरी दोस्तों हेमचंद अगर हेमू अगर शासक जीत जाता पानीपत के द्वितीय युद्ध में तो शासक तो वो बनता ही बनता दोस्तों। दूसरी चीज़ ये होती कि जो मुगल थे वो सिर्फ एक गेस्ट इन्वेटर के रूप में यानी कुछ समय के लिए आए हुए आक्रमणकारी के रूप में एक इतिहास के पन्ने में दर्ज होते, और क्या होता दोस्तों एक हिंदू वंश की हिंदू राजवंश की दोस्तों सत्ता स्थापित होती दिल्ली में, और क्या होता दोस्तों दूसरी चीज़ ये होती कि दोस्तों संस्कृति कल्चर समाज राजनीति सब कुछ मध्यकाल में जो है वो परिवर्तित रहता, क्योंकि मध्यकाल में दोस्तों फिर क्या होता मध्यकाल एकदम चेंज होता, हम लोग कुछ और तरीके से इसको पढ़ रहे होते, बट यहाँ क्या होता कि हेमचंद की मृत्यु हो जाने के बाद मुगल सत्ता स्थापित हो जाती, इस वजह से दोस्तों हम इस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर आपको समझ में आ रही होंगी कि कितना क्या इम्पैक्ट पड़ता अगर हेमचंद दोस्तों जीत जाता, तो संस्कृति में भी दोस्तों हिंदू राजवंश की स्थापना होती सबसे बड़ी चीज़ तो हिंदू जो संस्कृति उसको प्रायोरिटी मिलती दोस्तों, समाज संस्कृति भी चेंज हो जाती, हर चीज़ आप लोग हम लोग इतिहास में कुछ और तरीके से पढ़ रहे होते आज, ठीक है। तो हेमचंद दोस्तों इतनी चीज़, हेमचंद क्या होता है दिल्ली में पहुंच जाता है, और फिर क्या होता है अकबर के नेतृत्व में दोस्तों, अकबर छोटा 13 साल का होता है कह सकते हैं, बट बैरम खां दोस्तों उसका मेन होता है, वो दोस्तों क्या करता है सेना लेकर दोस्तों पानीपत के युद्ध में आ जाता है। तो दोनों की सेना आमने सामने रहती, और ये तो सत्य था दोस्तों कि हेमचंद दोस्तों अकबर से ज़्यादा कुशल था नेतृत्व के मामले में, योग्यता के मामले में, युद्ध क्षेत्र में, रणनीति के मामले में, हर चीज़ में दोस्तों क्या था वो अकबर से बेस्ट था, क्योंकि अकबर अभी 13 साल का छोटा सा एक बालक था दोस्तों, और वो कई युद्ध कर चुका था, और युद्ध शस्त्र में शास्त्र में हर चीज़ में युद्ध अकबर से बड़ा था। और अकबर के बारे में एक चीज़ ये भी जान लो दोस्तों, अकबर अनपढ़ था दोस्तों, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, बट वो एक महान शासक हुआ है दोस्तों, मध्यकालीन भारत का सबसे महान शासक उसको कहा जाता है दोस्तों। उसकी सांस्कृतिक, उसकी राजनीतिक और उसकी जो लोगों के प्रति जो नीति थी वो हर चीज़ हैं, ठीक है दोस्तों, अभी हम उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको, ठीक। तो क्या हुआ दोनों के दोनों
जो योद्धा थे दोस्तों कह सकते हैं, आमने सामने आए। बट आपको मैं एक चीज बता दूं कि पानीपत के युद्ध के मैदान में दोस्तों अकबर की सेना थी। अकबर स्वयं पानीपत के युद्ध के मैदान में नहीं आया था, वो दूर था, वो आगरा में बैठ आगरा के थोड़ा बाद में मैदान से दूर था, जहाँ युद्ध हो रहा था उससे दूर था वो, ठीक है। और उसके उसके सेना और बैरम खां उसका संरक्षक था, तो उसके पास में था। और उसकी युद्ध का जो उसकी सेना थी उसका नेतृत्व दोस्तों कौन कर रहा था, तो उसका सेना कुली खान कर रहा था अकबर की सेना। और हेमचंद स्वयं दोस्तों युद्ध करने जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ मैं आपको ले चलता हूँ पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें पानीपत के द्वितीय युद्ध की कब हुआ कि अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 1556 में, ठीक है दोस्तों। फिर कौन कौन दोस्तों, कौन कौन किनके 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 मध्य दोस्तों, अगर हम बात करें किनके मध्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कौन है दोस्तों अकबर वर्सेस वर्सेस दोस्तों कौन सा, हेमचंद, हेमू हेमचंद्र बोलते हैं, हेमचंद या दोस्तों इसका हेमू भी नाम है और विक्रमादित्य की उपाधि भी देता है, ये भी याद रखना दोस्तों। और ये भी लिख सकते हैं और लिख के लिख लेना दोस्तों आदिल शाह सूर, क्योंकि अगर कभी पूछ ले मान लो सिर्फ यही दे आदिल शाह सूर कि कभी, मतलब देखो बात ये है ना पेपर वाले थोड़े चालाक हो गए हैं, वो ये वाला नाम ना देके और दोस्तों आदिल शाह सूर दे दे तो वो भी मैच सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आदिल शाह सूर ही वास्तविक सूर्यवंश का शासक था दोस्तों, उसके नेतृत्व ये लड़ रहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई, ये हो गया युद्ध का परिणाम। अब परिणाम का दोस्तों हम देखते हैं अब हुआ क्या, ये युद्ध हुआ आमने सामने आ गए, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, आदिल साहब पराजित, सॉरी दोस्तों यू जो हेमचंद है उसमें युद्ध में मारा गया, युद्ध में मतलब हार गया। हार दोस्तों इसलिए गया क्योंकि दोस्तों अकबर का भाग्य साथ दे गया। क्या था कि पहले दोस्तों हेमू की जो सेना थी या हेमू दोस्तों अकबर की सेना पर भारी पड़ रहा था दोस्तों उस, और क्या हुआ अचानक क्या हुआ, एक तीर दोस्तों आकर हेमू के आँख पर लग गया, और आँख पर जब उसके तीर लगा तो वो मूर्छित होकर दोस्तों हाथी से नीचे गिर गया। और जैसे ही दोस्तों वो नीचे गिरा उसकी सेना दोस्तों सोचने लगी कि हेमू मर गया, और दोस्तों उसकी सेना तितर बितर हो गई, घबरा गई और वो भाग उठी। जब पीछे की ओर भागी तो जो मुगल सेना थी उसने उनका पीछा किया, और पीछा करके दोस्तों क्या हुआ उसको उनकी सेना को हेमू को पकड़ लिया और सेना पराजित हो गई और सेना तितर बितर हो गई, ठीक है। तो ये रीजन था दोस्तों युद्ध में जीतने का। अदरवाइज दोस्तों क्या होता, अगर हेमू को तीर नहीं लगा होता तो ये तो अटल सत्य था तो कि मुगल दोस्तों पराजित हो जाए, युद्ध में मुगलों का दोस्तों थोड़ा भाग्य साथ दे गया, इस वजह से दोस्तों हुमायूं है ना हेमू पराजित हो गया। तो जब देखो इसके पीछे भी दोस्तों दो तीन मैं कुछ आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, जब हेमू पराजित हो गया मतलब हेमू जब मूर्छित होकर गिरा तो उसकी मुगलों ने उसको पकड़ के अकबर के सामने ले जाया गया, ठीक है। जब अकबर के सामने ले जाया गया उसको तो जो बैरम खां उसका जो संरक्षक था अकबर का, उसने कहा कि इसको कत्लेआम कर दो। तो भाई उस समय अकबर 13 साल का वयस्क अवयस्क छोटा सा बालक था, तो उसने उसका वध करने से मना कर दिया। और उसने क्या किया, तो जब उसने मना कर दिया तो बैरम खां ने उसकी मृत्यु उसकी हत्या कर दी, ठीक है। किसकी हत्या कर दी दोस्तों, ये हेमू की, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता, मैं आप इसके पीछे एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अब जो अकबरनामा जो अकबर की जीवनी लिखते हैं अबुल फजल, अबुल फजल दोस्तों अपनी अबुल फजल दोस्तों अकबरनामा में लिखते हैं कि, ठीक है, कि लिखते हैं कि जो जो हेमू था वो बहुत कुशल और योग्य सेना नायक था। क्यों, क्योंकि दोस्तों हो देखो ये बात, ठीक है, तो इसीलिए है ना अबुल फजल स्वयं लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसके युद्ध का परिणाम हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो अकबर की जीत हुई और फिर क्या हुई, अब स्थायी रूप से कह सकते हैं कि स्थायी रूप से और चिरंजीवी रूप से एक मुगल वंश की सत्ता स्थापित हुई, जो लगभग दोस्तों 200 वर्षों तक जिन्होंने शासक किया। कब तक दोस्तों, 1557 के प्लासी के युद्ध से पहले तक दोस्तों लगभग 200 साल तक इन्होंने दोस्तों निर्विवाद रूप से दोस्तों क्या हुआ भारत पे शासन किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में थी जो आपको जाननी चाहिए थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि शासक बनता है अकबर और चीजें फिर बदल जाती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे की चीजें अब जब कभी मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब आगे की चीजें मैं और आपको बताऊंगा, बट द्वितीय युद्ध के बारे में दोस्तों आपको इतना ही जानने की जरूरत थी, ठीक है दोस्तों। तो मुझे
ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों अब हम लोग फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अभी मतलब अब कल आप लोग हम मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं, आपको पता है। तो इसके बाद यानी थर्ड जो बता है, अब जो थर्ड बचा है पानीपत का आंग्ला, उसमें क्या होता है मराठों और अफगानों के बीच में युद्ध होता है, तो उसको दोस्तों हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट अगली क्लास होगी वो पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको तीनों युद्धों का एक महत्व आपको समझाऊंगा मैं, क्योंकि अभी दोस्तों ये जब लास्ट में जब खत्म होने रहेगा तीनों तीसरा युद्ध, तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा आपको चीज़ें समझाने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जम के पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।